गुजरात में 6 बच्चों की मौत हुई एक नई बीमारी की वजह से। इसका नाम चंदीपुरा वायरस बताया जा रहा है और ये अभी तक 12 पेशेंट्स में दिख रहा है। इस बीमारी के सिम्टम एक नॉर्मल फ्लू जैसे दिख सकते हैं, जैसे हाई फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन, सीजर्स, लेकिन इसमें अक्यूट एनसीफेलाइटिस भी होता है, यानी ब्रेन की इन्फ्लेमेशन। ये बीमारी मॉस्किटो, स्टिक्स और सैंड फ्लाइज से फैल रही है और ये जो पैथोजन है वो वेसिकुलो वायरस जीनस का पार्ट है जो रैप्टोविरिडिस की फैमिली से है। इस बात पे गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल का कहना है कि ये बीमारी कोई नई बात नहीं है। इसका पहला केस 1965 में सामने आया था महाराष्ट्र में, और गुजरात में हर साल चंदीपुरा वायरस के केसेस आते हैं। मिनिस्टर ने बताया कि ये इन्फेक्टेड इंसेक्ट से फैल सकता है और ज्यादातर 9 महीने से 14 साल के बीच के बच्चों को होता है। इसी के साथ मिनिस्ट्री ने 400 घर और 19,000 लोगों की जांच करी और कहा कि ये बीमारी छूने से नहीं फैलती। चंदीपुरा वायरस का कोई असल एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट करा जाता है जिसमें न्यूरॉन्स को या नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लैक ऑफ ब्लड की वजह से। अगर ये नहीं किया गया तो लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो बच्चे इस वायरस से अफेक्ट होते हैं वो सिम्टम्स दिखने के 48 टू 70 आवर्स के बाद ही नहीं बच पाते। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ लाइफ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।